तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 को आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 तक के सारे फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिया है। और अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यूनिट नंबर 5 का नाम है आपका फेज इक्विलिब्रियम एंड द कोरोजन, क्लियर। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट क्या होता है, दैट मींस वाटर। सेकंड, हम लोग जानेंगे कि फेज डायग्राम ऑफ द बाइनरी इक्वेटिक सिस्टम क्या होता है फॉर द कॉपर एंड द एजी कोरोजन, क्लियर। अगला हम लोग जानेंगे कि टाइप क्या होता है कोरोजन के, मैकेनिज्म क्या होता है और इसको किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो कि इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बेसिक से इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा ताकि जो नोट्स है वो तैयार होता चलेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो जो आपका ये जो कोरोजन का फंडामेंटल था इक्विलिब्रियम कोरोजन के लिए, वो किसने दिया था? ये आपका विलर्ड गिब्स ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और फेज रूल, दैट मींस द हेटेरोजीनियस सिस्टम, फेज रूल को हम लोग हेटेरोजीनियस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने जरूरी है, क्योंकि कई बार वाइवा में पूछ देता है एक्सटर्नल, अगर आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को क्लियर होना जरूरी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टेट दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, दैट मींस पी, एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मींस एफ, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट सी बाई टू, क्लियर। यानी ये जो आपका फंडामेंटल इक्विलिब्रियम कोरोजन फेज का, ये कहता है कि जो आपके फेजेस होते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, और जो डिग्री होता है फ्रीडम फेज का, वो ग्रेटर देन होता है दो नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय टू के। अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ फेज एंड द आपका जो फ्रीडम है एफ उसका, यानी पी प्लस एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी प्लस द कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए सी ऑफ टू, यहाँ पे सी प्लस टू होगा। अगर हम यहाँ से एफ के वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा आपका, सी माइनस पी प्लस टू होगा। आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये आपका क्या होगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। और इस फॉर्मूला का यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि जो भी हम आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे वो सारे इसी फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे, इसी सारे न्यूमेरिकल जो आपके फॉर्मूलाज हैं उन पे आधारित रहेगा। यहाँ पे P क्या है, P इज द नंबर ऑफ फेजेस, C आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट है, और F आपका क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि गिव्स फेज रूल्स प्रोवाइड अ जनरल रिलेशनशिप अमंग द एफ पी एंड सी, यानी जो आपके ये गिव्स थे जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसके बीच में रिलेशन दिया, पी एफ और सी के बीच रिलेशन दिया, जो कि रिलेशन आपका ये रिलेशन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से हाईलाइट करके रख लीजिए। अगला हमारा क्या है, एडवांटेज है। एडवांटेज आखिर इसका होता क्या है, तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट गिव्स द सिंपल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी ये एक सिंपल मेथड प्रोवाइड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कंबाइंस द डिफरेंट सिस्टम हैविंग द सेम नंबर ऑफ एफ वी हैव द सेम मैनर्स, यानी ये कंबाइन करता है डिफरेंट सिस्टम को जिनके पास सेम नंबर ऑफ एफ होते हैं, जो कि एफ क्या होते हैं अभी हमने बताया, और वो क्या करते हैं, सेम मैनर्स की तरह काम करते हैं। अगला कह रहा है कि इट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम व्हेन चेंजेस इन वेरिएबल लाइक पी टी एंड वी, यानी ये प्रिडिक्ट होता है एज अ बिहेवियर ऑफ सिस्टम के, ऐसा जब आपका चेंज होगा प्रेशर टेम्परेचर और जब आपका जो वैल्यूम होगा वो चेंज होगा, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो भी चेंज होती रहेंगी। अगला कह रहा है कि इट इज एप्लीकेबल टू फिजिकल एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन, यानी ये क्या होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एप्लीकेबल टू हेटेरोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यानी ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए, हेटेरोजीनियस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम के अंदर, तो जो कहीं ना कहीं ये क्या है, डिसएडवांटेज का कारण बनता है। अगला कह रहा है कि इट इज इनफ्लेमेबल बाय ओनली टीपी एंड कंपोजिशन, यानी ये केवल टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन में ही क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, जो कि एक इसका डिसएडवांटेज है। अगला कह रहा है कि इट डज नॉट कंसीडर द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं उनको कैरी नहीं करता, क्लियर हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो लोग इन चीजों का फायदा उठा सके। और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा ताकि जो भी डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होंगे उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।